इस आम का टेस्ट बहुत मीठा है। कुछ आम हमने लिए हैं। चुप रहते। चुप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं मैंगो पार्टी करने। पहले हम लेके आए थे रॉ मैंगो, लेकिन अब आम जो हैं पक चुके हैं, खाने के काबिल हो चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं उनको खाएंगे मजे के साथ। और आज का व्लॉग हो चुका है हमारा स्टार्ट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो। करते हैं आज की मजेदार वीडियो हम स्टार्ट। बैठे 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 समराला, बहुत ही ज्यादा आम के पेड़ हैं। हम जी 8 लोग आए हैं। मौसम भी प्यारा है और आम के दरख्त देखें कितने ज्यादा है इधर। देखें भाई साहब, ये साइडों पे हर तरफ आम ही आम है। ये देखें आम भाई साहब, ये चेक करें, ये चेक करें आम। तो आगे का चेक कराना जेडी चॉइस है। बाबा जी सुनाओ, ये मीठे ना ज्यादा, ये मीठे कितने ज्यादा मीठे फिर चेक कर लो भाई। आप चेक करा दे चेक करो भाई। डर की हाल देखो, चेक करो जी आगे हम जरा पसंद ना आ। अल्लाह हु अकबर। ਕਾਦਰ ਵੀ ਪਾਇਓ ਅਰੇ ਪਨਾ ਪਾਉਣੇ ਵੇ ਬਾਜੀ ਬਾਕੀ ਲੈ ਪਰ ਅਰੇ ਬਾਜੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚਾਕੀ ਲਾਇਆ ਟਾਈਪ ਹੀ ਬੈਠेंगे ਜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਥ। ਇੱਕ ਆਮ ਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਖਟਾਸ ਥੀ ਇਸਮੇ। एक आम खट्टा गया अंदर तो मुझे ना खांसी लग गई, गला पकड़ने हो गया। ये देसी आम है तो इतने खटास में ना होती होती है। इनमें तो कुछ भी चीज नहीं है देखने के, खाली आम। ओए देख के देख। इस आम का टेस्ट बहुत मीठा है। इस आम के जो है ना कुछ आम हमने लिए हैं वो खाएंगे। तीन चार किलो पहले आम से खाए हैं, वो थोड़े से कटे थे। इस आम से हमने 5 किलो खा लिए हैं, ये मीठे हैं। अभी और दिल कर रहा है कि और खाए जाए। अभी आपको मैं ये इधर कलमी आम दिखाऊंगा, जिसके गिर्द ना इन्होंने दवाई लगा के आगे पीछे तारों से घेरा हुआ ऐसे, ताकि कोई भी बंदा इधर जाके इसको उतारे नहीं। ये कलमी आम है, देखें अगर आपको दिख सकें तो। ये है, ये भी कुछ पीले हैं, कुछ अपना कलर पक रहे हैं। और इधर इन्होंने जो है ना केबल लगा के सारे बूटों को कवर किया हुआ है, ताकि कोई बंदा अंदर ना जाए, उतारे ना इनको। ये भी कच्चे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे आम हैं, लंबाई में है। ये समझ लें कि हम पिंडी जुंजा बिम्बर के साथ कश्मीर में खड़े हैं इस टाइम। तो ये ज़मीन ऐसी है, इधर हर तरफ ही आम के पेड़ दिखाई देंगे आपको। ये हमारे गाँव से तकरीबन 10-15 मिनट वक्फे के बाद ये गाँव आता है। ये जो आम मैंने आपको बताए हैं ना, ये इधर से उतार के जाएंगे बिम्बर वज़ीर आज़म साहब के लिए।
इसलिए इन्होंने सारा गिरा डाला हुआ है। ये भाई साहब बता रहे थे जिनके आम है गिफ्ट दिए हैं के लिए ले जाओ आपको तीन चार ज्यादा हो गए। चलो जी आ जाए आ जाए। वो सारे आम चूप लिए हमने, तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो टाइम जो है ना शाम को हो चुका है। आज हम पाकिस्तान में इधर से इंटर होने वाले हैं, समझ लें 2 मिनट का रास्ता है और आगे पाकिस्तान है और इधर आज़ाद कश्मीर है। ये जो आम है ना ये पाकिस्तान में है और ये वाले जो है ना आज़ाद कश्मीर में है और ये सेंटर है। ठीक है भाई साहब, ये पाकिस्तान में खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहर भाई साहब। अभी हम पाकिस्तान में इंटर हो चुके हैं, आज़ाद कश्मीर से हम बाहर आए। तो ही है काले के सारे, इसकी मदद से जो ऊंचाई पे आम होते हैं उनको गिराया जाता है। A few moments later, फाइनली घर पहुंचे हैं, नमाज पढ़ी है, अभी खाने का टाइम है। आपको बताया था कि कल मशीन आई थी कीमे वाली, कीमा निकाला है, उसके बाद फाइनली टिक्कियां कीमे वाली आपके सामने हैं और साथ में है चावल, ऐसे करेंगे हम टिक्की साथ में, और साथ में है हमारे पास चटनी, थोड़ी थोड़ी चटनी डालते जाएंगे। ये जो है ना ये बहुत ही कमाल का टेस्ट देंगे, और साथ में हमारे पास ये सैलड है, ये ऐसे ऐसे चारों चीज़ें मिक्स करके खाएंगे, बड़ी मज़ा आएगा। अब इसे शोर डाला हुआ है, चुप खामोश खामोश, मजा वीडियो बना दो, तुम्हारी टैं 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 बीच में ही होती है, जिस कोने में भी हो तुम्हारी आवाज टैं टैं की लाजमी आती है वीडियो में, जब एडिट करता हूँ ना। तुम क्यों नहीं चुप रहते हो, चुप है है, पता चल रहा वीडियो बन रही है आपकी। बाय बाय करो, ऐसे मैं कैसे करूँ बाय। अच्छा पार्टी तो इधर करो ना, फोन लेना है क्या लेना है, देखो इधर पैसे लेने हैं। ओ रियान पैसे दे रहा है इसे, ले लो ले लो, चलो ले लो ले लो। अरे पैसों का पता चल रहा है आपको भी है, वो खाने लगी है, इसके बाद खाने का पता, पैसे वगैरह का नहीं पता। ये लो आपके काम की चीज़। हाय मी होगी। आज का व्लॉग लंबा करने के बजाय हम इधर एंड करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ईमानुल्लाह क्या ओका ओका शुका नहीं बोलते, वो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है, लोगों ने कहा कि ओका ना बोला। हाँ पहले ओका बोल देते। अल्लाह हाफिज ओके।